एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रखर टू ब्रीज रेमेडिएशन वर्कबुक सब्जेक्ट इंग्लिश की, जिसमें हमने वर्कशीट 40 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिए थे। तो अगर आपने किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी होती है, वहाँ से उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ हम कंटिन्यू करेंगे वर्कशीट 41 से। तो पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक केयरफुली देखिएगा ताकि आपको सभी वर्कशीट के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ जाएं। तो स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 41 के क्वेश्चन से। क्वेश्चन फर्स्ट है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप पिक्चर दे रखी हैं, दो पिक्चर दे रखी हैं अलग अलग तरह की। व्हाट आर दी वुमन डूइंग, फर्स्ट पिक्चर में आपको दिख रहा है वुमन क्या कर रही है। तो वुमन आर पावरिंग मिल्क एंड कलेक्टिंग वाटर फॉर ड्रिंक। सेकेंड क्वेश्चन है, विच एनिमल्स डू यू सी इन द पिक्चर, आपको कौन कौन से एनिमल इस पिक्चर में दिख रहे हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा काउ एंड डॉग्स। हाउ मैनी पीपल आर देयर एट द हैंडपम्प, हैंडपम्प के आसपास आपको कितने पीपल दिख रहे हैं, 4 पीपल। नेक्स्ट इज देयर अ ट्री इन द पिक्चर, तो यहाँ पर ट्रीज की पिक्चर हमें दिखाई दे रही है पिक्चर में, तो यहाँ पर हो जाएगा येस। वट टाइप ऑफ हाउसेज आर देयर इन द पिक्चर, तो यहाँ पर हाउस किस तरह के दिखाई दे रहे हैं, स्मॉल मड एंड ग्रास हट, तो गीली मिट्टी से बने हुए घर दिखाई दे रहे हैं और ग्रास से बने हुए हट्स दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर आंसर करना था। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, दिस पिक्चर शो द लाइफ ऑफ द, तो ये पिक्चर कौन सी लाइफ शो कर रही है, विलेज की, गांव की लाइफ शो कर रही है। तो यहाँ पर लिख देंगे विलेज। तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 41 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे वर्कशीट 42, जिसमें क्वेश्चन है रीड दी फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है जिसे आपको केयरफुली रीड करना है और समझना है, और इससे रिलेट दिए गए क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं जो कि इन्हीं इसी पैराग्राफ में उपलब्ध हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हु वर गुड फ्रेंड्स, तो कौन थे गुड फ्रेंड्स, यहाँ हो जाएगा टू क्रेन्स एंड अ टॉर्टोइस। आपने कहानी तो सुनी होगी टू क्रेन्स और टॉर्टोइस की, तो यहाँ वही कहानी दे रखी है, इससे रिलेट आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको आंसर करने हैं, ठीक है। वेयर डिड दे लिव, वो कहाँ रहते थे, तो आंसर लिखते कि दे लिव नियर अ पॉन्ड, एक तालाब के किनारे। हु वॉज अ चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स कौन था, चैटर बॉक्स यानी बहुत ज्यादा बोलने वाला, तो यहाँ हो जाएगा द टॉर्टोइज वॉज अ चैटर बॉक्स। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द पॉन्ड स्टार्ट टू ड्राई, पॉन्ड जो है तालाब जो है वो सूखने क्यों लग गया था, तो यहाँ आंसर लिखेंगे देयर वॉज नो रेन हेंस पॉन्ड स्टार्ट टू ड्राई। राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स टॉकेटिव, तो टॉकेटिव का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर चैटर बॉक्स, जो कि इस पैराग्राफ में उपलब्ध है। तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 42 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे वर्कशीट 43, जिसमें क्वेश्चन है यू आर मोहन और रजिया लिविंग इन बीकानेर, यू आर इल सो यू कैन नॉट गो टू स्कूल, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर टू ग्रांट यू 2 डेज लीव। आपको अपने आप को, या तो आप छात्र हैं तो मोहन मान लेना है स्टूडेंट बॉयज को, और गर्ल को मान लेना है अपने आप को रजिया, जो कि रहते कहाँ पर है, बीकानेर में। आप बीमार हैं इसलिए नहीं जा सकते हैं स्कूल, तो आपको एक हेडमास्टर के लिए एप्लीकेशन लिखनी है 2 दिन की छुट्टी हेतु। तो इस तरह की एप्लीकेशन हमारे चैनल पर काफ़ी सारी उपलब्ध हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं और अपने मार्क्स अच्छे से अच्छे हासिल कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन का जो प्लेलिस्ट में दे रखा है बॉक्स, उसमें आप जाकर के सभी एप्लीकेशन को जरूर से देखें ताकि आपका कोई भी लेटर या एप्लीकेशन मिस ना हो। तो यहाँ स्टार्ट करेंगे 2D हैंडमास्टर UPS दौसा राजस्थान, डेट लिख देंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दौसा नहीं लिखना है आपको, यहाँ पर आपको बीकानेर लिखना है, क्योंकि आपको अपने आप को बीकानेर का मानना है, ठीक है। तो इस तरह से करेक्ट कर देना है, ग्रांट मी 2 डेज लीव। सर आई बैक टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, सो आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल फ्रॉम 2 जुलाई टू 3 जुलाई, 2 दिन की छुट्टी हो गई, काइंडली ग्रांट मी 2 डेज लीव, योर ओबीडियंटली मोहन क्लास 8, ठीक है। इस तरह से डन होता है आपका वर्कशीट 43, जिसमें एप्लीकेशन दे रखी थी बीमारी से रिलेट, तो यहाँ पर 43 वर्कशीट का सॉल्यूशन होता है डन। अब देखेंगे वर्कशीट 44, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ हिंट्स गिवन इन दी ब्रैकेट, आपको ब्रैकेट में कुछ हिंट्स दे रखी है जिससे आपको ये जो पैराग्राफ है इसे कंप्लीट करना है, सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। माई मदर नेम इज, मदर नेम लिख देना है आपको नेहा।
शी इज 46 ईयर ओल्ड, ठीक है, एज लिख देनी है आपको. शी इज अ टीचर, आपको टीचर की जॉब लिखनी है क्योंकि ले रखा है हिंट में टीचर, इन गवर्नमेंट स्कूल अजमेर. शी गेट्स अप अर्ली 8:05 PM. शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग वूमन. शी इज़ वेरी रेगुलर एंड पंक्चुअल. शी हेल्प्स इन आर स्टडीज. शी कुक्स डिलीशियस फूड. आई लव हर सो मच एंड शी टेक केयर ऑफ आर फैमिली. तो इस तरह से आपने हिंट्स के थ्रू इस पैराग्राफ को कंप्लीट किया है जो कि मदर के ऊपर था. तो इस तरह से ये था सिंपल सा पैराग्राफ. वर्कशीट 43 डन होती है इस तरह से. अब देखते हैं असेसमेंट नंबर 5th का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट में दे रखा है आपको एक पैराग्राफ जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आपको आंसर करने हैं, जो कि इसी पैराग्राफ में उपलब्ध हैं. तो पैराग्राफ को आप अच्छे से रीड करिए, मैं आपको आंसर बता देती हूँ. हु वेंट टू नेबर्स, कौन गया नेबर्स के पास? शौर्य. वुमन हुम दे वुड कैच, तो यहाँ हो जाएगा दे वुड कैच दी थीफ, किसे पकड़ा उन्होंने. राइट दी अपोजिट वर्ड ऑफ क्लोज फ्रॉम दी पैराग्राफ, आपको पैराग्राफ से क्लोज का अपोजिट बताना है जो कि पैराग्राफ में है. यहाँ पर देखिए ओपन, ठीक है, ओपन दी डोर है ना, दे डिसाइडेड टू ओपन दी डोर, ओपन हो जाएगा खुला, क्लोज होता है बंद. वेयर वुड दे टेक दी थीव, थीव को उन्होंने कहाँ दिया? पुलिस स्टेशन, ठीक है. तो ये था इससे रिलेटेड क्वेश्चंस. अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक्स विद विल और शैल. शैल का यूज हमने देखा आई वी के साथ में होता है, बाकी सभी के साथ में विल का यूज होता है, ठीक है. सचिन, यहाँ सचिन के साथ में विल लिख देंगे. सचिन विल डिलीवर अ स्पीच ऑन दी टीचर्स डे. ही विल स्टार्ट अ बिजनेस नेक्स्ट मंथ. आई के साथ में शैल का यूज करेंगे. आई शैल रीड अ नोवल टुमारो. यू के साथ विल का. यू विल मीट मी नेक्स्ट वीक. वी के साथ शैल का. वी शैल प्ले क्रिकेट टुमारो. तो अगर आपने पिछली वर्कशीट केयरफुली रीड की हैं, समझी हैं प्रत्येक वर्कशीट को, तो आपको जो असेसमेंट होते हैं बहुत इजी लगेंगे सॉल्व करने, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं. थर्ड क्वेश्चन है रीअरेंज दी फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस. आपको इन दिए गए वर्ड्स को मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस बन जाएगा रोहन विल स्पेंड नेक्स्ट वैकेशन विद हिज मदर. नेक्स्ट बन जाएगा दे विल कम हियर टुमारो. ये डन होता है आपका थर्ड क्वेश्चन. आप देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन जो कि है राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू कंडक्ट एन एक्स्ट्रा क्लास फॉर स्पोकन इंग्लिश. आपको अपने हेड मास्टर को एक एप्लीकेशन लिखनी है. क्यों? क्योंकि जो स्पोकन इंग्लिश है उसकी एक्स्ट्रा क्लास लगाने के लिए. तो यहाँ लिख देंगे टू द हेड मास्टर UPS अजमेर राजस्थान. सर आई बैक टू से दैट I am a student of class 8. I bring to your kind notice that our spoken English is very bad. So we want some extra classes for spoken English. Therefore, I request you to conduct an extra class for spoken English. Thanking you, your faithfully Anita, class 8. That date लिख दे रही है जिस भी date को आप ये letter application लिख रहे हैं. इस तरह से done होता है ये letter. बहुत important था. तो ये एप्लीकेशन डन होती है. इस तरह से कंप्लीट होता है हमारा असेसमेंट नंबर 5th का सॉल्यूशन. अब हम देखेंगे वर्कशीट 45 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन है रीड दी पैसेज बिलो एंड पिक दी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर वर्ड्स. तो आपको एक ये पैराग्राफ दे रखा है, इसे देखना है केयरफुली, और इसमें जो मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर वर्ड्स हैं आपको अलग अलग करने हैं. ठीक है, मैस्कुलिन में कौन आ जाएंगे? जो पुल्लिंग है, ठीक है, और फेमिनिन स्त्रीलिंग, शब्द को स्त्रीलिंग में लिख देना है. ठीक है, तो मैस्कुलिन में लिखेंगे हम ब्रदर, ग्रैंडफादर, ऑक्स, बैल, ठीक है, फादर, अंकल, नेफ्यू, भतीजा, और फेमिनिन में लिख देंगे सिस्टर, ग्रैंडमदर, काउ, गॉट, मदर, मेयर, घोड़ी, आंट, नाइसी, भतीजी या भांजी. ठीक है, तो ये होता है डन 45 वर्कशीट का सॉल्यूशन. इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा वर्कशीट 45 असेसमेंट नंबर फिफ्थ, वर्कशीट नंबर 44, वर्कशीट नंबर 43, वर्कशीट नंबर 42 और वर्कशीट नंबर 41 का सॉल्यूशन. इसी तरह हम आगे की वर्कशीट भी देखते रहेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस इस कक्षा से रिलेटेड देखते रहेंगे. तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ. वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद.